आनंद की क्या कहने, भक्ति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति हो रही है। आप सवेरे से जो पता नहीं लग रहा है कि चल रहा है क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी, राधे राधे राधे, तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, तीन लोग 14 भवन सो तेरे पते आ रही। देखो तो बंदर कितना अच्छा लग रहा है। बोल भागे बिहारी लाल की जय। ब्रज क्षेत्र में अगर आए हैं तो राधे राधे तो कहनी पड़ेगी भैया, अगर राधे ना करोगे तो यहाँ भैया कोई काम नहीं, राधे राधे कह के ही आगे काम चलेगा। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे, बोल राधे राधे राधे, राधा रानी की जय, बोल बिनसी वारी की जय, बोल पूछरी के लोटा की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल रमण बिहारी लाल की जय, रमण बिहारी लाल की जय। तो प्रभु जी अब बताएं कि कहाँ से आए आप? हम आए निवाड़ी विधानसभा से, निवाड़ी जिला से, राजधानी निवाड़ी जिला है अपने मध्य प्रदेश में। एमपी से आए? हाँ एमपी से आए। अच्छा, तो क्या श्रद्धा थी आपकी? जो हमारी जो हती श्रद्धा के मने गोपालधन महाराज नो परकम्मा लगाया है, आत्मसंतोष हो जाए हमारे लोगों ने। तो महाराज जी की हाँ, थी आपने? हाँ, तो सब जने, सब लोग हमारे 20 जने हैं, सब जने मने परकम लगा भी आए थे महाराज की। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत सुहाना लग रहा है। कितने आनंद आ, कितना आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया आनंद। अच्छा, कितने कितने आनंद आ रहे हैं? बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा है। भक्ति भक्ति के नशे में डूबे हुए, बहुत आनंद, कोई कष्ट नहीं है। अपने थे आज है, हमारी ये भावना है कि अपने सारे काम हो जाएंगे, सब काम, सब काम हो जाएंगे। हाँ, जो एक आत्मा है, आत्मा राधे राधे राधे, तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, तीन लोग 14 भवन सो तेरे पते आ रही। देखो तो बंदर कितना है, कितना अच्छा लग रहा है क्या नहीं है, है? आनंद आ रहा है, आनंद की क्या कहने, भक्ति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति हो रही है। आप सवेरे से जो पता नहीं लग रहा है कि चल रहा है कि क्या है कि क्या नहीं है। अच्छा जी, मैं बोल रहा ही थे आन के, आज ना कोई भूख की तरखा ना काव की तरखा नहीं, जो ढूंढने के बाद ग्रास नहीं उगा है। अच्छा। तब भी कोई तरखा नहीं है, पूछ लो ने किसी इंसान से, भूखे ना प्यास है नहीं, बिल्कुल बताओ है कि नहीं, बिल्कुल भोजन नहीं हुआ है भगवान, हाँ झूठ नहीं, मतलब कले वाली बार नहीं हुआ है, बढ़िया भगवान की लीन में कल से चलते जा रहे है, और कोई भूख की कोई फिक्र नहीं है की कितने भूखे ऐसी होती है क्या है ना। तर घर जाए तो 10 बजे अपन को भूख इतनी करनी लग जाए, ये कर रही घर पे होते हैं तो बच्चों की भूख की चिंता, सबकी भूख मरे थे कोई नहीं था, तो सब भगवान की चिंता है कि बार बार ये सब समान है, राधे राधे जे कृष्णा जे राधे कृष्ण भगवान जे सब कुछ जे कर ले, सब कुछ करे बंसी वाला, उसी में समा गए, वो जो उनसे पे बढ़ाएगा अपन उन लगे तो फिर अपन को भी पाल लगाए, पाल लगाएंगे, पाल लगाएंगे अपनी माने बेड़ा अपनी लगन लगाएंगे अपनी नज़े बेड़ा पाल करेंगे। जब यहाँ पे आए हो तो जरूर उसकी सुनेंगे, कृपा हुई है तभी आए हो, वरना सब ना आ जाए, उन्हीं की कृपा से आए हैं, सब आनंद है, यही सब क्या उन्हीं की कृपा भाई के नहीं आओ। अच्छा, वो फिर हम एक आने ना, वो एक ना जाते हैं फिर। अच्छा, तो गलत थी, तो गलत है, जैसे भगवान सब प्रकार से उनने माने पैसा टका दें है चीज दें, और उन्हें कहीं नहीं आओ, आओ तो कहीं नहीं, चलो सब जने, सब जने जो बुजुर्ग सब जने जैसे सब बुजुर्ग सब जने आए, कितने वक्त है? कितने वक्त आए हम उन्हें आए 25 आदमी, हाँ। तो बाबू जी तो बहुत एज के मालूम पड़ रहे हैं, कितनी उम्र होगी बाबू जी? बोल दो, हो गई 65 65 साल के, और देख लो कल से भूखे हो फिर भी भगवान शक्ति दे रहा है, प्रभु की माया है, कितनी माया है, प्रभु की माया है, चल रहे हैं पैदल नंगे पैर चल रहे हैं, सभी भक्त मेरे नंगे पैर रहे हैं, तो माया ये कोई भोजन की कोई तरकारी, इसी हवा से
बिल्कुल सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, राधे की कृपा से कृष्ण भगवान की थे, सब आनंद है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर पे आज तो ही रुकेंगे, माने आज तो ही रुकेंगे, फिर झांझ खिलाने जा रहे हैं हम। झांझ है जो काश जो भगवान का माने जन्म हुआ था सुरपाल का, माने राजस्थान में पड़ जाता झांझ, तो उतर जा रहे हैं हम लोग सब जने को, उतर भी महाराज के दर्शन हुआएंगे, इतने से घूमते हुए सब रिहार। पहले सोचा आपने कि परिक्रमा लगाए, पहले लगाए कर बाबा गोवर्धन हनुमान महाराज की तरह का कर पूजले, बस फिर बोलते चले चले। फिर उतर से लौट के अपने और कहूंगी बन जाए बेचारे ठीक है ना, तो सीधे घर को निकल जाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि भक्ति किस तरीके से, धन्य है इनकी भक्ति, धन्य है ऐसे भक्त जो भगवान को अपने अंदर मानकर ही चले आ रहे हैं, कोई भूख प्यास की चिंता नहीं, राधे रानी और प्रभु श्री कृष्ण की चरणों में है। और देख रहे हैं आपकी भूख लगती नहीं, कुछ भी नहीं, ना भूख प्यास ना कुछ भी, तो कुछ नहीं होता बिल्कुल कुछ नहीं, भूख प्यास माने कोई आवश्यकता ही नहीं लग रही क्या भोजन करना है। घर से फोन वोन आया कोई, सब कुशल है सब घर में? नहीं कोई फोन नहीं आया है, सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो फोन आऊ तो कोई दिक्कत होती तो घर पर तो फोन आ जाता अपन लोग, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो कोई फोन वोन नहीं आया के ऊपर छोड़ लेकिन माने ऐसा याद हो गए पहुँच गए गिरिराज जी बोले गोवर्धन पहुँच गए, देखते आओ तो फोन सो कहीं यहाँ पहुँच गए, सब जने पहुँच गए, जाने उनको काम जाने वो जाने उनको बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया बात, कैसे कैसे वो जाने बे जाने अपने तो उनके काम में आए कारज में, सब बे जाने उनको काम जाने, काम जाने हम तो उनके ऊपर छोड़े, उनके ऊपर छोड़े जानो तुम्हारा काम, तुम्हारा काम है, अब हमारा काम कोई हमारी कोई मतलब हाँ कोई मतलब। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे भक्त है, क्या भक्ति है कि कहते हैं कि वो जाने उनका काम जाने हमें कोई मतलब नहीं है, और भगवान की अगर कृपा रही तो ऐसे ही हर साल आते रहेंगे और ऐसे ही बाबा की परिक्रमा लगाते रहेंगे। तो दोस्तों भक्ति की इसी कड़ी में मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि भक्त कितने आते हैं, श्रद्धालु कितने आते हैं, लाखों की संख्या में यहां परिक्रमा लगाते हैं। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो डेली नित्य प्रति यहां सुबह नित्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर यहां परिक्रमा में बाबा की सेवा में लग जाते हैं, दंडौती से कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, भक्तों की अपनी अपनी श्रद्धा है किस तरीके से कैसे कैसे आते हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें, आस्था की डुबकी लगाते रहें, भक्तों के दर्शन करते रहें, राधे रानी की नाम लेते रहें, प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेते रहें और राधे 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 करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।